मिलाने वाला हूँ हमारे फैमिली के सबसे नए सदस्य से, जिसका नाम है चाइना टाउन। ये है चाइना टाउन, ये वही ऑटो है जिसको मैंने खरीदा है यहाँ चाइना में। वो छोटा सा नहीं, ये बड़ा लाल सा। मैंने लाल कलर इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये मुझे फरारी की याद दिलाता है। सो गाइस, दिस इज चाइना टाउन। दिस इज माई न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर दैट आई हैव रिसेंटली बॉट हियर इन चाइना। सो दिस इज गोइंग टू बी माई मेन राइड हियर इन चाइना। बट अभी यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है और मैं टेम्परेचर आप लोगों को दिखा सकता हूँ। अभी का टेम्परेचर है क्या है टेम्परेचर हाँ, टेम्परेचर है -3। अगर आप लोगों को दिख रहा है, जो शायद दिख ही रहा होगा क्योंकि मेरे मुंह से धुआं भी जो निकल रहा है वो ठंड की वजह से है। तो ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जैसे मैंने अभी कहा, तो इसमें बैटरी लगता है, देयर इज़ नो फ्यूल यूज्ड। मैं इसका सारे स्पेसिफिकेशन, इसका प्राइसिंग, इसका ये सब कुछ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि स्कूटर कैसा है। सो ये वीडियो, दिस मोस्टली गोइंग टू बी अ रिव्यू वीडियो ऑफ हाउ इलेक्ट्रिक स्कूटर इज़ टू मोस्ट ऑफ़ दी इंडियन स्कूटर्स। यू नो, इंडिया के जो नॉर्मल स्कूटर्स है, जैसे लेट्स से एक्टिवा है या रेजर है या बहुत सारे दूसरे भी जितने स्कूटर्स हैं, आई ट्राई टू कंपेयर मोस्ट ऑफ देम टू माई न्यू N1 स्कूटर। दैट्स द नेम ऑफ द स्कूटर। एंड न्यू मतलब नया तो है ही है और कंपनी का नाम भी न्यू है, NIU। तो ये उन लोगों का फ्लैगशिप स्कूटर है एंड देर आर अ फ्यू मोर मॉडल्स ऑफ द कंपनी राइट नाउ। दे हैव अ फ्यू मोर मॉडल्स। एक छोटा वाला भी है जो यहीं पे है पीछे, अगर आप लोगों को देखना है तो। ये इन लोगों का सबसे छोटा वाला मॉडल है। कैसा दिखता हूँ, बट जो भी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि -3 degrees में आई एम डूइंग दिस जस्ट फॉर यू गाइस। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये बड़े से ग्लव्स पहनने पड़ते हैं गोर-टेक्स के। सो गाइस, मैंने कैप उतार दिया क्योंकि मैं कैप के साथ अच्छा दिखता नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ठंड लगेगा बट चलेगा। यहाँ पे एकदम हम लोग के सोसाइटी के पीछे एक स्ट्रीट है जो पूरा बंद रहता है क्योंकि वहाँ पे कोई गाड़ियाँ नहीं आ सकती क्योंकि सामने एक स्कूल है और स्कूल के चलते वो रोड बंद है। तो अब हम लोग जाएंगे वो रोड पे एंड आई शो यू कि क्या पता टॉप स्पीड तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि आप मैंने जब भी कहा कि स्कूल है, बट आई स्टिल ट्राई। देखते हैं, गिरना नहीं है मुझे और वैसे मैंने कैप नहीं पहना, तो ज़्यादा टॉप स्पीड पर जाऊँगा तो ठंड लग जाएगी। बड़ा स्टिल शो यू कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो आप लोगों को लगता है कि यार ये तो ज़्यादा चल नहीं पाएगा, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। तो आई ट्राई टू शो यू एज मच एज पॉसिबल। सो स्टिक अराउंड, वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए अगर दबाना चाहते हैं आप लोग तो, क्योंकि अभी शायद मैं यूट्यूब पर कंसिस्टेंटली वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो ये डिस्प्ले है यहाँ पे, एकदम वैसे डिजिटल टाइप डिस्प्ले है। ये स्पीड के लिए है और ये मोड्स हैं जो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बटन्स है। फर्स्ट मोड पे द मैक्स स्पीड इज़ आई गेस 20 kilometers। सेकेंड मोड पे द मैक्स स्पीड इज़ आई गेस 50 kilometers। एंड थर्ड पे द मैक्स इज़ आई गेस 60-65। दैट्स द टॉप स्पीड ऑफ द स्कूटर। 65 से ज़्यादा जाता नहीं है ये। तो कुछ लोगों को लगता होगा यार ये थोड़ी स्कूटी है यार, 65 में क्या होता है, बट जो है वो है, अभी उसका कुछ कर नहीं सकते। अभी स्कूटर सिर्फ 3 kilometers ही चला है। यहाँ पे बैटरी का परसेंटेज आपको दिखेगा, फिर ये बैटरी इंडिकेटर है, ये फुल है, ई मतलब एम्प्टी है,
ये जीपीएस से कनेक्टेड है, मेरे फ़ोन में एक ऐप है जिसके बारे में मैं आप लोगों को घर जाके बताऊंगा सब कुछ। एंड ठीक है, फिर अभी 17:25 टाइम हो रहा है, यानी शाम के कुछ तो बज रहे हैं, आप लोग वो कर लीजिए। 5:25 हो रहा है अभी शाम के। तो वही है, अभी यहाँ पे जो ये पी जल रहा है, ये पी पार्किंग के लिए है। अभी अगर पार्किंग में है तो अगर मैं एक्सीलेटर दूंगा तो भी कुछ होगा नहीं, और ये ऑटोमेटिकली ऑन रहते हैं जब भी मैं स्कूटर चालू करता हूँ। तो अगर मेरे को पार्किंग से हटाना है तो ये ग्रीन चीज़ मुझे दबानी पड़ती है, फिर पार्किंग से हटता है एंड देन आई बूस्ट ऑफ। पिकअप जो है ना बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, अभी दिखाता हूँ आपको। द स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ द ऐप समवेयर हियर, आप लोगों को दिख जाएगा कि मैं कौन सा ऐप यूज़ कर रहा हूँ। तो द ऐप इज़ न्यू ई स्कूटर ऐप। अभी फ़िलहाल बोल रहा है कि कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं है, जबकि है, लेकिन आपको ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहा है कि चाइना टाउन इज़ द नेम ऑफ माई स्कूटर जो यहाँ पर दिख रहा है। देन यू हैव द GPS विच टेल्स मी द लास्ट नोन लोकेशन ऑफ द स्कूटर। Then there's the weather, just in case you want to know what the weather is. If you are mostly weather app use karte, weather technically you're not using the weather app on the app, on the new scooter app. Then there's the ride statistics, where aapko pata chalta hai ki aapka scooter kitna chala hai, kaun se din pe kitna chala hai, kab kaun se time pe kya hua hai, and all of that. Then battery health is self-explanatory ki battery ka health, that's an important thing. The price of the scooter, if I change it to Indian rupees, because I did not buy it in Indian rupees, it will come out somewhere around 70,000 rupees. So that's almost in the price range of most scooters or scooties in India. This isn't like a review video about the scooter, because I haven't really tested the scooter to its full potential. So mujhe khud nahi pata ye scooty kya kar sakti hai, kitna chal sakti hai full charge pe. So agar aap logo review wala video chahiye, so let me know in the comment section down below and I'll do that. And as far as the last video is concerned, I can do a updated video on that. If you guys haven't seen the video, then maybe go check it out, then you guys will know what am I talking about. Zyada kuch hua nahi video ke baad. Subscribe to my channel, press the like button, share this video if you guys liked it, and pichle video mein intro dala nahi apna, is video mein bhi nahi dalunga, because none of even the last video is not a vlog, and even this is not, but vlog aa raha hai. I'll be shooting more vlogs, so that's gonna happen.